गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना केमिस्ट्री का चैप्टर। कैसे आप सब लोग, पहले आपका हालचाल जान लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप और आपके सभी घर वाले बहुत अच्छे होंगे, सभी सेहतमंद होंगे और सभी की हेल्थ अच्छी चल रही होगी गाइस, राइट। इसी के साथ हम अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि चैप्टर अंतिमतता की ओर है, यानी कि हम लोग इसको जस्ट ख़त्म करने वाले हैं। तो कुछ इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी है जो पीछे नीट में या जेई मेंस में जो प्रॉब्लम्स आई है वो भी मैं आप लोगों को गाइस कवर करवाऊंगा, राइट। तो वो प्रॉब्लम भी हम लोग कवर करेंगे। उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक लॉज को पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इन बेसिक लॉज को आपने अपनी 9th क्लास में ही पढ़ा है, यानी कि तीन लॉ इसमें से आप अपनी 9th क्लास में ही पढ़ चुके, राइट। तो नीट में कभी कभी यह सवाल आता है कि बताओ ये लॉ किसने दिया, या इस लॉ को देने वाला बिहाइंड द लो वो इज द मैन, वो वॉज द मैन, राइट। तो ये सब चीज़ें आ जाती है। तो कल मैंने आपको पहला लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मैंने आपको मतलब बताया था कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते ना ही गाइस आप डिस्ट्रॉय कर सकते, इट्स लाइक एन एनर्जी। और मैंने आपको आइंस्टाइन इक्वेशन से इसको रिलेट भी कराया था, और मैंने बताया था अगर किसी भी मास को आप सी स्क्वायर की स्पीड से फेंक दोगे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है, वैसे ही मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी होता है। मास एक तरह की एनर्जी होती है गाइस। मास में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, राइट। मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से। और एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे क्या होते हैं, चार्ज। और चार्ज एक तरह की क्या है, एनर्जी। चार्ज इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंजर्व करके रखती है, राइट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा हमारा जो मास का नेट चेंज होगा वो जीरो होगा। कल हमने इसका गाइस एक एग्जांपल भी किया था, एंड इट वाज गिवन बाय एंटोनियो लेवोजियर, राइट। एंटोनियो लेवोजियर ये नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो लेवोजियर ने दिया था, किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में मास कंजर्व रहता है, नाइदर वी क्रिएट मास नोर वी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो नेट चेंज जो होगा मास में वो जीरो होगा। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हो सकता है कि ये लॉ आपने थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन किया होगा। तो दिस लॉ वॉज गिवन बाई फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट, ही इज द प्राउस्ट, ही वॉज द मैन, राइट। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं गाइज। और यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट हमेशा सेम रहता है। जैसे कि अगर H2O की बात करूं तो H2O में 2 इज द मोलर मास ऑफ H2 एंड 16 इज द मोलर मास ऑफ 16, यानी कि H2O चाहे पड़ोसी का हो, चाहे अड़ोसी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, चाहे US का हो, चाहे तुम्हारे घर का हो, कहीं का भी हो, वहाँ पे उसका केमिकल फॉर्मूला H2O होगा और उसका रेशियो 2:16 होगा। ये सिंपलेस्ट रेशियो में की अगर बात करूँ तो वो 1:8 होगा, यानी कि 1:8 वॉज द रेशियो ऑफ वेट फॉर H2O मॉलिक्यूल, क्लियर। यही ये बात बोलता है, एलिमेंट बाई वेट, प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट इज ऑलवेज सेम, यही बात बोलता है। एग्जाम्पल हमने H2O को लेके दिखाई दिया, क्लियर। बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ पे हम लोग आ चुके थे, ये लॉ में पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब गाइस बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। ये लॉ दिया था डाल्टन ने, ही इज द डाल्टन, राइट। ये डाल्टन भाई साहब ने दिया था, और इन्होंने बताया था स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा है, यानी कि अगर आप स्टेटमेंट की बात करो गाइस तो स्टेटमेंट आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। एक बार मैं आपके सामने स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अनदर मोर देन वन कंपाउंड। इसने बोला कि अगर कोई दो एलिमेंट, बहुत अच्छे समझते हैं, जी जो लाइनें लिखी है उसी लाइन को समझना है। इसने बोला कि अगर टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जैसे कि एक मेरे पास हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया और एक मेरे पास रिएक्शन किया ऑक्सीजन ने, किसने किया, हाइड्रोजन ने एंड ऑक्सीजन ने, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक जगह बना रहे हैं H2O, और यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया और ये आपके पास बना रहा है H2O2। गाइस H2O को बोलते हैं वाटर, क्या बोलते हैं गाइस को, इसको बोलते हैं वाटर और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों उसको, हाइड्रोजन परोक्साइड, इसको बोलते हैं गाइस हाइड्रोजन परोक्साइड। इतनी लाइन का मतलब समझ में आया कि अगर दो एलिमेंट आपस में जुड़ के
एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, यानी कि उनका जो एलिमेंट सेम ही होने चाहिए, दोनों ही रिएक्शंस में एलिमेंट सेम है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन वो जिस तरीके से जुड़ रहे हैं दोनों ही रिएक्शन में अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाए। लाइक इन द फर्स्ट रिएक्शन वी हैव H2O एंड इन द सेकेंड रिएक्शन वी हैव H2O2। यहां तक हमारा क्लियर हो चुका। द मासेस ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड विद ए अनदर फिक्स्ड एलिमेंट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स आर इन ए सिंपलेस्ट स्मॉल रेशियो। अब इसने बोला कि जो ये आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी कि आपस में रिएक्ट करने के बाद जब ये वाटर और H2O2 बना रहा है, तो जो इन एलिमेंट के मास का रेशो है, जो इन एलिमेंट के मास का रेशो है वो सिंपलेस्ट एक स्मॉलर नंबर है। जैसे कि अगर यहां पे मैं इनके मास की बात करूं, इन द फर्स्ट रिएक्शन H2O का जो मास है वो है गाइस 2, कितना है 2, एंड इन द O2 का मास कितना है यहां पे। अब देखो मैंने एक चीज लिखी है हाफ O2, ये चीज तुम्हें आसानी से पच नहीं रही होगी, राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पे कुछ लोग जानते हैं, जिनको मैंने 10th में पढ़ाया वो लोग जानते हैं कि हाफ का मतलब क्या है, दे ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1/2। तो मैं जो लोग नए हैं उनको भी एक बार समझा देता हूं। तो देखो किसी का एक मोल हो सकता है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं एक O2, इस एक O2 का मतलब क्या है कि इसका एक मोल मेरे पास है, क्या है मेरे पास इसका एक मोल है। अगर मैं हाफ O2 की बात करता हूं तो इसका मेरे पास आधा मोल है, कितना मोल है आधा मोल है। भाई मोल तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी होता है, 0.1 भी होता है, 0.2, 0.3, 0.4, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि हमारी रिएक्शन को केवल एक ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ऑक्सीजन एटम जो है वो ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं मिलता, वो तो अपने मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है। जब भी आप O2 को ढूंढने जाओगे तो O2 आपको O की फॉर्म में नहीं मिलेगा, O2 की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा रेदर देन एलिमेंट के फॉर्म में। एलिमेंट की फॉर्म में ये अनस्टेबल रहता है, इसलिए ये अपना मॉलिक्यूल बना लेता है, यानी अपने ही जैसे किसी दूसरे भाई से आगे जुड़ जाता है। और इसी जुड़ने की टेक्निक को आपने 10th क्लास में कोवेलेंट बॉन्डिंग का नाम दिया था, जहां आपने कार्बनेट्स कंपाउंड्स की बातें की थी, वहां पे आपने एक बॉन्डिंग की थी जो साझा करके बनाते थे, वहां पे आपने लुविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी बनाई थी जो एक दूसरे के आने जाने से बनती थी, यानी कि मैंने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने भी दिया, दोनों ने अपना बिजनेस ग्रो कर लिया 50-50% पार्टनरशिप से। 10th में आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ी है तो आपको पढ़ाया होगा, आई नो दैट, राइट। तो गाइज यहां पे इसका आधा मोल है, तो एक ऑक्सीजन एटम मान के चलो कि यहां पे प्रेजेंट है, बट स्टैंडर्ड स्टेट में जब केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी तो आपको वहां पे बताया होगा कि इक्वेशंस जब लिखते हैं तो उनमें जो हम एलिमेंट्स को लिखना होता है, जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। कैसी स्टेट होती है? स्टैंडर्ड स्टेट। तो आपके पास है तो आधा मोल, राइट। तो एक मोल ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो होता है 32, तो आधा कितना हो जाएगा 16, यानी कि यहां पे इसका मास है 16, तो इनका रेशो कितना आया, इसका रेशो आया 1:8, कितना आया इसका रेशो 1:8। और अगर H2O2 की बात करूं तो यहां पे H2 का वही 2 है, राइट। H2 का कितना है 2 है, और O2 का कितना है गाइस, O2 का कितना है यहां पे 32, कितना है 32, यानी कि यहां पे जो रेशो आया वो आया 2:32, यानी कि 1:16। पहली रिएक्शन में जो रेशो आया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दैट इज 1:8, एंड सेकेंड रिएक्शन में जो रेशो आया वो आया 1:16। तो उसने ये बोला कि द मासिस ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड विद ए अनदर फिक्स एलिमेंट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड आर इन ए सिंपलेस्ट स्मॉल रेशो, यानी कि H2O के अंदर हमेशा वाटर 1:8 में होगा और H2O2 के अंदर हमेशा H2O2 1:16 के रेशो में होगा। अगर आपको बोला जाए कि H और O का रेशो, अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या आता है, आपको क्वेश्चन बताता हूं। अगर आपको बोला जाए कि H:O इक्वल्स टू है 1:8 एंड H:O इक्वल्स टू है 1:16, आइडेंटिफाई दी कंपाउंड्स, आइडेंटिफाई दी कंपाउंड्स कि कौन कौन से कंपाउंड बने हैं, तो
तो ये बोलेगा कि जब जब 1:8 आएगा तब तब आप केवल H2O मॉलिक्यूल जनरेट कर सकते हो, और अगर आपके पास 1:16 आता है तो आप वहां पे H2O2 जनरेट कर सकते हो। H2O एक अलग कंपाउंड है, H2O2 एक अलग कंपाउंड है। H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड और H2O को बोलते हैं वाटर, राइट। तो ये लोग बोलता है कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा अलग तरह के मॉलिक्यूल से कंपाउंड का जनरेशन करते हो, तो जो मॉलिक्यूल्स वो आप बना रहे हो, यानी कि जो आप एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करा रहे हो, वो एक सिंपलेस्ट रेशो में आपस में आके जुड़ते हैं। बस इतनी ही बात इसने बताई थी कि H2O में वो 1:8 में होगा, सिंपलेस्ट रेशो ये हुआ, और रेशो हुआ 2:16। रेशो क्या हुआ? 2:16, 2:32। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं? एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर देते हैं जो सबसे छोटी संख्या तुम्हारे पास लेके आए। तो एक से छोटा तो कुछ नहीं हो सकता, तो दो से डिवाइड कर दिया, 2 और 8, 2 और 16। क्लियर? इसको फटाफट से छापो। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, ये भी तुमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। गिवन बाय डोल्टन, ही इज डोल्टन, और तुमने इसकी एक चीज और पढ़ी होगी, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, एक चीज और पढ़ी होगी, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो वही 9th क्लास की है, कि अकॉर्डिंग टू डोल्टन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, इट कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। लेकिन बाद में जाके फिर उसको गलत प्रूव कर देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज आ जाती है ना, जब वो डिस्कवर हो जाते हैं। इसकी थ्योरी में बस केवल इतनी सी ही बात है कि मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम बोलते हैं। परमाणु, परमाणु, एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु, और मोलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं अणु। फटाफट से लिखो गाइस, लिख लिया होगा, फ्रीज करके लिख लेना, ठीक है? इसको फ्रीज करके लिख लेना, मैं स्कोर ऑफ कर रहा हूं, फ्रीज करके लिख लेना। चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे, गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। देखो जो बात, ये सब पता क्या थे, ये सब अपने आपको बहुत ज़्यादा शातिर समझ रहे थे, शाणा, शाणा होता ना, शाणा समझना, एक ही बात को अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। कोई बोलता है वेट की फॉर्म में, कोई बोलता है वॉल्यूम की फॉर्म में, किसी ने बोला कि ये सेम वेट में एक सिंपलेस्ट वेट के रेशो में आके मिल रहे, कोई बोलेगा ये सिंपल वॉल्यूम के रेशो में आके मिल रहे। तो गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पहली बात तो दिया है गेलुसैक ने, राइट। तो तुम्हें गेलुसैक दिख भी रहा होगा कि कैसा था गेलुसैक, राइट, दिखता होगा गेलुसैक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा प्यारा सा बच्चा था, मतलब सॉरी प्यारा सा आदमी था, राइट, ही इज द गेलुसैक। उसके बाद इसने बोला कि इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। इससे पहले आपने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास पढ़ा है, जोसेफ प्राउस्ट ने जो दिया था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, है ना, ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, मैंने कहा ना सेम, ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जैसा है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जैसा है, वैसा ही यहां पे है, कुछ नहीं। इसकी एक कंडीशन है दोस्तों, इसकी कंडीशन जो है वो है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, विदाउट टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट के इसका लॉ जो है वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं। देखो
अगर आप अपने सेंट की बोतल लो, राइट, आप उसको फट से दबाओ ऐसे, तो अंदर से गैस निकलेगी। बताओ कि गैस का वॉल्यूम दबाने से पहले क्या था? वो शीशी, वो बोतल जिसमें सेंट था। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर को रिलीज किया और जो गैस बाहर निकली, अब उसका वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? जहां भी आप उसको छिड़कोगे, यानी कि हमारा एटमोस्फियर। सपोज करो मैं इस कमरे की बात कर रहा हूं और ये मेरे पास एक सेंट की बोतल है, राइट, ये मेरे पास एक सेंट की बोतल है। अब सेंट इसके अंदर था, सेंट क्या था? इसके अंदर था। मैंने इसको प्रेस किया, तो अब प्रेस करने से पहले जो सेंट का, यानी कि जो गैस इसके अंदर थी, जो वॉल्यूम था, वो इतना ही था जितना इसका वॉल्यूम है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। गैस आप कहीं भी भरोगे वही उसका वॉल्यूम होगा। जैसे कि अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम भी होगा। अगर आपके पास वो सिलेंडर छोटा है, जो छोटे छोटे सिलेंडर आते हैं, तो उससे पूछा कि भाई गैस का वॉल्यूम क्या है, तो बोला कि भाई गैस का वॉल्यूम वही होगा। जैसे कि आप 10 किलो गैस लो, उस बड़े सिलेंडर के अंदर भर लो या छोटे के अंदर भर लो, अमाउंट दोनों जगह सेम ही है प्यारे बच्चों। 10 किलो उसके अंदर भरी, 10 किलो उसके अंदर भरी, लेकिन वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट है। वहां वॉल्यूम ज्यादा है, बड़े सिलेंडर में वॉल्यूम ज्यादा है, छोटे सिलेंडर में वॉल्यूम कम है, राइट। यानी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है कंटेनर का वॉल्यूम। तो मैं आपको बताना चाहता था कि जैसे ही आपने प्रेशर रिलीज किया तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, कुछ गैस बाहर निकली, तो बाहर जो गैस निकली अब उसका वॉल्यूम थोड़ा ना इतना रहा जो इस शीशी के अंदर का वॉल्यूम था, वो तो वॉल्यूम कितना सारा बढ़ चुका। इसलिए आपको प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है, प्रेशर चेंज नहीं करना, नहीं तो आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर की बात ऐसे करते हैं प्यारे बच्चों, देखो आपके पास पानी है, वो सॉलिड स्टेट में है, आपने उसको गर्म किया, वो लिक्विड बना, लिक्विड बनाने के बाद उसको और गर्म करोगे, तो अभी लिक्विड का वॉल्यूम क्या था? जहां पे आपने उसको रखा हुआ था, क्लियर। आप उसको जब गर्म कर दोगे तो वेपर्स बन जाएगी, वेपर्स बन के कहां चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में बन जाएगी। लेकिन टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला गया, और वेपर स्टेट में जाने के बाद उसका वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वेपर्स तो बहुत ज्यादा से पूरे एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो जितना बड़ा ये जहां तक वेपर्स जाएगी वहां वहां तक उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के वेरी करने से वॉल्यूम वेरी होता है गाइस। इतनी छोटी सी बात आप समझो। तो क्या रखना है आपको? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस कंबाइन इन ए केमिकल रिएक्शन इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम। गैसेस कंबाइन इन ए केमिकल रिएक्शन इन ए सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बनाती है वॉटर। क्या बनाती है? आपस में रिएक्शन करके वॉटर बनाती है। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता हो, आपको उसका फॉर्मूला पता हो वॉटर का, तो वॉटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है वॉटर का फॉर्मूला? H2O। तो आपको बिल्कुल आसानी से देख पा रहे होगे कि भाई इस वॉटर के मॉलिक्यूल के साथ एक नाइंसाफी हुई है। भाई देखो मॉलिक्यूल तो जो बन गया बन गया, मैं आपको नाइंसाफी के बारे में बता रहा हूँ। वो नाइंसाफी क्या है कि इस वॉटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो दो गुना है किससे? ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। माना कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है, सॉरी हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। हमने अपनी तरफ से माना, क्या माना? कि माना हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 100 ml है। तो ऑक्सीजन कितना होगा? इसका आधा, क्योंकि यहां पे दो तो एच है और एक ओ है, तो जो भी सिस्टम होगा ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन जस्ट उसका दो गुना रखेगा, या जो भी सिस्टम होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन उसका आधा रखेगा, तभी तो दो गुना हुआ। तो इसने बोला अगर इसका वॉल्यूम 100 ml है तो उसका आधा 50 ml हो जाएगा, और लेकिन वॉटर तो कितना ही बनेगा? 100 ml ही बन सकेगा वॉटर, तो वॉटर तो 100 ml ही बन सकता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वॉल्यूम में 2:1 से रिएक्शन करते हैं और एक एक मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर को जनरेट करते हैं। यही था गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या इसको सिंपलेस्ट भाषा में गेलुसैक लॉ भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये नीट में एक बार पूछा हुआ है, नीट में, कि बताइए गेलुसैक लॉ को और किस नाम से जाना जाता है। तो गेलुसैक लॉ को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन
बाय वॉल्यूम्स के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए गाइस, ये कंडीशन को जरूर लिखना, जब भी तुमसे पूछे तो इस कंडीशन के बिना ये चैप्टर अधूरा है। इन्हें सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, और वहां पे क्या था, इन्हें सिंपल रेशो बाय मास। क्लियर है जी? लिख लिया होगा गाइस, ये लिख लिया होगा, उस जमाने में भी अच्छे स्पेक्स आते थे, राइट? ये भी अच्छे स्पेक्स लगाए हुए इसने, पर मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, है ना, इसको मिटा देते हैं। अच्छी बात है भाई, ठीक है, लिखो जी फटाफट, फटाफट से लिख लो यार, जल्दी जल्दी आगे चलना है। फिर एक लो और रहता है, फिर उसके बाद वापस से अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं, उनको नहीं छोड़ना, वो तो ख़त्म ही करनी है, वो तो बेसिक ही है ना, उसके बिना तो ये चीज़ें अधूरी है। लिख लेना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है, हट रहा हूँ एक बार, पॉज करके लिख लेना, आगे चलते हैं। अगले लो पे चलते हैं गाइस, एवोगैड्रो लो, ये बड़ा बढ़िया लो है, ये लो लगता है मुझे कुछ ठीक ठाक, बाकी मुझे सारे लोज जो है फर्जी लगते हैं। गिवन बाई एमोडियो एवोगैड्रो, एमोडियो एवोगैड्रो बिल्कुल नाजुक से पतले दुबले पतले से आदमी थे, बहुत ही बढ़िया लो देके चले गए थे, इतना अच्छा लो कि आज तक इस लो में जो ने नंबर दिया, ये 1 mole = 6.022 × 10⁻³ एटम्स मोलिक्यूल्स पार्टिकल्स, बड़ा बेहतरीन लो है, इतना अच्छा नंबर तुम्हें दिया है। तो गाइस पहला, इट इज़ गिवन बाई एमोडियो एवोगैड्रो, और स्टेटमेंट जो इनका है, ये स्टेटमेंट इनका बड़ा प्यारा है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसमें भी आपको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रखना है, इसमें भी आपको टेम्परेचर प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखना है, और इस लो में इन्होंने बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर आप किसी भी गैस की बात करो, इधर आप बात करो हाइड्रोजन की, या आप बात करो क्लोरीन की, या आप बात करो गाइस ऑक्सीजन की, तो अगर उनके इक्वल वॉल्यूम्स आपके पास है तो उनमें सब में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस प्रेजेंट है। जैसे कि मेरे पास 50 ml हाइड्रोजन है और मेरे पास 50 ml ऑक्सीजन है, क्या है, मेरे पास 50 ml हाइड्रोजन है और 50 ml ऑक्सीजन है, तो गाइज ये लो बोलता था कि 50 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन दोनों के पास ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेम है। अब सबसे बड़ी जो बात आई, ये ml जो है वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मोल्स,
तभी तो आप बता पाओगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। उसी के ऊपर हम लोग अपने फिफ्थ चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। जो सुना है उसको केवल एक बार सोचो, गहरी सांस लो और छोड़ दो, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझ पर डिपेंड करती है। मैं बिल्कुल जब उसको पढ़ाऊंगा तो इससे उसको कोविलेट जरूर कराऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, राइट। तो बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर सारी की सारी गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, बशर्ते आपका टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट रहे। ही मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। ही इज द फर्स्ट पर्सन, एमोडियो एवोगैड्रो इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बताया कि एटम और मॉलिक्यूल्स दो अलग अलग चीज़ें होती है। एटम्स अगर बहुत सारे कंबाइन कर जाते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, जबकि डाल्टन के अकॉर्डिंग कोई मॉलिक्यूल हो या कोई मैटर हो, कुछ भी हो, उसमें मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, वो केवल छोटे छोटे एटम्स टिनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। लेकिन इसने बताया कि नहीं, एटम्स के बाद भी कुछ एग्जिस्टेंस करते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यानी कि एमोडियो एवोगैड्रो ने बताया कि एटम अलग स्पीसीज है और मॉलिक्यूल कुछ अलग स्पीसीज है। मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं बंच ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इक्वल वॉल्यूम का एग्जाम्पल कैसे है। तो एग्जाम्पल बोलता है कि H2 और Cl2 मिलके बनाती है 2HCl। इसमें एक वॉल्यूम आया H2 गैस का, एक वॉल्यूम आया Cl2 गैस का, तो दो वॉल्यूम बनाए किसके? HCl के। एक एक लिखा हुआ है सबके सामने, यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा, यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा, क्योंकि एक हम कभी भी केमिस्ट्री में नहीं लिखते, हम एक केमिस्ट्री में कभी भी दिखाते ही नहीं। अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब वो एक ही है। और यहाँ पे 2, यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2, 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 फॉर्म्स 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो इसका क्या आया? एक मॉलिक्यूल। इसका क्या आया? एक मॉलिक्यूल। इसके कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल, या इसको बोल सकते हैं 1 मोल 1 मोल 2 मोल। और फिर बाद में हमें एक एवोगैड्रो नंबर मिला। क्या मिला बाद में? एवोगैड्रो नंबर। और ये वही एवोगैड्रो नंबर है कि एक मोल में किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी मैटर के एक मोल में 6.022 × 10^23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये था गाइज एमोडियो एवोगैड्रो लॉ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं। क्लियर है? इसको फटाफट से लिखे। लिख लिया होगा गाइस? लिख लिया होगा गाइस? आगे चले, आगे चलते हैं, ठीक है? ये लिख लिया होगा, इसको ख़त्म करते हैं। ये थी हमारी सम बेसिक डिस्कवरीज। इसमें एवोगैड्रो, गेलुसेक और डाल्टन्स लॉ तो हमने अभी पढ़ा, 3 लॉज पहले पढ़े थे। क्लियर है? इसको रफ करता हूँ, पोस्ट करके लिखना। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है,
एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। पेपर में अगर पूछता है तो एग्जाम्पल से ही पूछेगा, एग्जाम्पल तुमसे मांगेगा। स्टेटमेंट बाद में डालना, पहले एग्जाम्पल डालना, क्योंकि एग्जाम्पल में स्टेटमेंट ऑलरेडी कवर्ड है ना। आगे चलते हैं। तो गाइज ये हमारे हो चुके सारे के सारे लॉज खत्म, राइट। अब बात करते हैं अपने सिंपल कॉन्सेप्ट की, जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब देखो गाइज ये तो हमारी हो चुके कुछ बेसिक लॉज खत्म, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम, जिसको आपने गेलुसैक लॉ भी बोला, डाल्टन्स लॉ, और एक आपने पढ़ा एवोगैड्रो लॉ। छह लॉज मैंने आपको पढ़ा है, छह का मतलब लगभग सेम ही था एक एवोगैड्रो लॉ को छोड़ के, राइट। और पहला लॉ जो था वो लेबोजियर ने जो दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो तो रद्दी सी चीज थी कुछ, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए किस लॉ को और किस नाम से जानते हैं और ये किसने डिस्कवर किया था। आइए इसी चैप्टर में आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ। एक टर्म आपको बताता हूँ, आइसोटोप्स। क्या बताता हूँ एक टर्म्स आपको, आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप है वो एक तरह का रिलेशन है बिटवीन टू काइंड ऑफ एटम, और जो वो एटम है वो दोनों सेम है, जो एटम वो है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो तीन फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन जो है प्यारे बच्चों वो तीन फॉर्म में पाया जाता है, एक 1H1, एक 1H2, एक 1H3। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। 1H1 का मतलब है कि वन उसका एटॉमिक नंबर है और ये वन ही उसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास जो होता है उसमें होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों ही इक्वल होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। किसके गाइस, एटॉमिक नंबर के। तो इस रिलेशन से पता लगता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक नंबर होने का मतलब इसके पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने के बाद इसका एटॉमिक मास भी वन ही है। एटॉमिक मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास एक है, एटॉमिक मास एक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके पास कितने हैं, जीरो है। किसके पास, 1H1 के पास। अगर 1H2 की बात करूं तो इसके पास न्यूट्रॉन आया एक, और अगर 1H3 की बात करूं इसके पास न्यूट्रॉन आए टू, 3-1, 2-1, 1-1, क्लियर, 0, 2, 3। हाइड्रोजन तीन तरह से मिलता है। अब इसको तो सिंपल हाइड्रोजन ही बोलते हैं, जो पहला हमारे पास मॉलिक्यूल है यानी कि जो पहला एटम है इसको सिंपल हाइड्रोजन ही बोलते हैं। इसका नाम होता है गाइस ड्यूटेरियम। क्या होता है इसका नाम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और जो ये 1H3 होता है इसको बोलते हैं गाइस ट्राइटियम। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइटियम, TRITIUM। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, अब आप इन तीनों को बहुत ध्यान से देखो प्लीज, इनको बहुत ध्यान से देखो। ध्यान से देखने के बाद देखो कि हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर वन ही है, ड्यूटेरियम है तो भी उसका एटॉमिक नंबर वन ही है, ट्राइटियम है तो भी उसका एटॉमिक नंबर वन ही है, क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास वन है, ड्यूटेरियम के लिए एटॉमिक मास टू है, और ट्राइटियम के लिए एटॉमिक मास थ्री है। मतलब कि इन तीनों में इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये इनके बीच में रिलेशन क्या आया, इनके बीच में रिलेशन आया आइसोटोप्स। क्या बोला जाता है गाइस इनको, आइसोटोप्स। आइसो मतलब क्या होता है गाइस, आइसो प्लस टोप्स। आइसो मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है आइसो का, मतलब सेम, और टोप्स का मतलब होता है नंबर।
नंबर भी कौन सा? एटॉमिक नंबर। नंबर भी कौन सा गाइज? एटॉमिक नंबर। यानी कि आइसोटोप्स आर दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी कि इनकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं? डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं? डेफिनेशन में इसकी लिख सकता हूं दोज स्पीसीज having same atomic number and different atomic mass। ये आएगा गाइस इसकी डेफिनेशन। यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? बेसिकली वो सेम ही एटम होता है लेकिन उनके एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं, राइट? इसको हाइड्रोजन एच से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ट्राइटियम। गाइज H2O को तो बोलते हैं सिंपल वाटर, लेकिन अगर आपके पास H की जगह आ जाए D तो क्या बन जाएगा? D2O। क्या बन जाएगा गाइज? D2O। D2O का नाम होता है हैवी वाटर। क्या होता है गाइज का नाम? हैवी वाटर। हैवी वाटर के नाम से D2O जो है वो पानी मार्केट में मिलता है। और बेसिकली ड्यूटेरियम जो है वो लेबोरेटरी सॉल्वेंट्स में यूज किया जाता है। इसके ऊपर हमारे पास हमारी 11th क्लास में एक पूरा चैप्टर है, वहां हम इसे पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। क्या होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, कैसे बनते हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, क्या क्या चीजें बन सकती है इन आइसोटोप से, और क्या क्या उनका नाम होता है, और कौन कौन से इनमें रेडियो एक्टिव होते हैं। ट्राइटियम जो है ये इतना रेडियो एक्टिव, आपने नाम पहले भी सुना होगा, यानी कि जिनसे फिजन से फ्यूजन होते रहते हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स में लगातार टूटते रहते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो गाइज इसको लिख लो, इससे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने आने वाला है, वो मैं अभी बताऊंगा। लिख लो गाइज फटाफट इसको। आइसो प्लस टोप्स, एन बोले तो एन यहां पे क्या है गाइस? एन इज न्यूट्रॉन, पी प्रोटॉन, ई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हैवी वाटर के नाम से इसको जाना जाता है गाइस। किसके नाम से जाना जाता है? हैवी वाटर। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा था, मैंने दोबारा से लिख दिया है, राइट? अभी दिख रहा होगा, वो मैंने हैवी लिखा हुआ है। D2O इज नोन एज हैवी वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय D2O? हैवी वाटर। H2O नॉर्मल वाटर, जो हम लोग पीते हैं वो होता है नॉर्मल वाटर H2O। D2O अगर आ जाए, यानी कि है तो हाइड्रोजन ही एक तरह का, है तो हाइड्रोजन ही एक तरह का, एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, तो बन जाता है वो ड्यूटेरियम वाटर, ड्यूटेरेटेड वाटर, या जिसको बोलते हैं हैवी वाटर।
केमिकल फॉर्मलाइज D2O। ध्यान रखिएगा गाइज, आइसोटोप्स मतलब सेम और टोप्स मतलब नंबर। नंबर कौन सा? एटॉमिक नंबर। यानी कि आइसोटोप्स आर स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। दिख रहे हो गाइज, आगे चले। अब एक और ऐसा ही पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कार्बन के लिए गाइज। किसके लिए पढ़ते हैं गाइज? कार्बन के लिए आइसोटोप पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिलते हैं गाइज, वैसे ही कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। एक होता है 6C12, एक होता है 6C13 और एक होता है 6C14। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव यू अबाउट दिस 6C14। ये जो है, ये जो एज होती है, यानी कि ये इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है ये? इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और आपने एक नाम सुना होगा, कार्बन डेटिंग। क्या नाम सुना आपने? एक कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है 6C14। कार्बन डेटिंग जब करते हैं, यानी किसी भी अगर आप चीज की, जो बहुत जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता है, तो वहां पे कौन चीजें कितने साल पुरानी थी हमें कैसे पता लगा? वो हम पता करते हैं कार्बन डेटिंग से। किससे पता करते हैं गाइज? कार्बन डेटिंग से। अब इसकी भी एक चीज देख लेते हैं, खास खास चीज क्या देख लेते हैं गाइज इसकी। एक खास चीज देखते हैं इसके अंदर गाइज, ये तो था हमारे पास इनके 3 आइसोटोप्स, क्लियर है। अब गाइज देखते हैं इनकी रिलेटिव अबंडेंस, ये नेचर में कितना मिलता है। तो गाइज इसका डाटा हमारे पास एनसीईआरटी बुक से आया है, आपको रेफरेंस के लिए। आई कैन शो यू दी रिलेटिव अबंडेंस। तो सबसे ज्यादा जो अबंडेंस होती है वो होती है कार्बन 12 की, 98.9%। सबसे ज्यादा जो नेचर में पाया जाता है वो पाया जाता है 98.9%। और इसका जो एटॉमिक मास होता है, इधर वाले कॉलम में आई विल यूज दी एटॉमिक मास, वो होता है 12 AMU। कितना होता है गाइज? 12 AMU। 6C13 जो है वो नेचर में मिलता है 1.108%, यानी कि ये केवल 1.108% ही मिलता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 13 AMU। कितना होता है गाइस? वो 13 AMU। और अगर कार्बन 14 की बात करें
तो ये तो नेचर में 2×10^-10 जितना कम मिलता है, यानी कि इतना परसेंट 0.00000290 लगाने के बाद फिर 2 लिखेंगे, यानी कि इतना कम मिलता है। और इसका जो मास होता है गाइज वो होता है 14 mu। अब देखो नेचर में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। अब यार मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा मास लेना है कौन सा मास नहीं लेना? मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं कार्बन 12 का लूं कि कार्बन 13 का लूं कि कार्बन 14 का लूं। तो गाइज ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए हमने एटॉमिक मास से एक नई टर्म का इजाद किया, और वो जो टर्म है उस टर्म को बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं गाइज उसको? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है कि जो नेचर में जितना है उसका उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन ले लो। तो इसका जो कार्बन के, यानी कि कंप्लीट कार्बन के लिए हम किसके लिए निकाल रहे हैं एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए निकाल रहे हैं गाइस? कार्बन के लिए निकाल रहे हैं। तो कार्बन के लिए एटॉमिक मास जो होगा वो कितना होगा? सबका परसेंटेज, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लो। तो ये होता है नेचर में 98.9%। और कितना होता है इसका मास? 12। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बात चल रही है। प्लस ये कितना है? 1.108 गुना 13/100 प्लस 2×10^-10 × 14/100। ये आया हमारे पास कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। तो गाइस जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 12.011 amu। जिसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.011 amu, या इसको अप्रोक्सीमेटली 12 amu भी हम ले लेंगे, यानी कि जिसका तो इतनी कम परसेंटेज को तो क्या ही कंसिडर करना, इसको भी थोड़ा बहुत ही कंसिडर करेंगे, जो मेजर पार्ट है वही कंसिडर होगा। यानी कि एवरेज एटॉमिक मास उनके लिए निकाला जाता है जो एक से ज़्यादा अपने ही जैसे हूबहू दिखने वाले एलिमेंट रखते हैं, यानी कि जो आइसोटोपिक फॉर्म में मिलते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ये टर्म एवरेज एटॉमिक मास। उस समस्या से निवारण के लिए कि जिससे मुझे कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा एटॉमिक मास लेना है और कौन सा नहीं लेना। गाइस क्लियर है? ये आ गया आपका आंसर। तो ये पता लग गया होगा आपको कि ये जो एवरेज एटॉमिक मास है वो किसके लिए आया है। एवरेज एटॉमिक मास गाइस इज ओनली एंड ओनली फॉर आइसोटोप्स। हर एक एलिमेंट का आइसोटोप नहीं होता, कुछ ही एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, और उनके ही आइसोटोप्स को निकालने के लिए, यानी कि उन आइसोटोप्स का मास हम क्या रखें, वहाँ पे एक स्पेशल टर्म को यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, कि हम हमेशा अब कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास यूज़ करेंगे जो लगभग लगभग कार्बन 12 के एटॉमिक मास के बराबर ही आया। आया तो आता तो है 12.011, लेकिन जो लगभग किसके बराबर आया? कार्बन 12 के एटॉमिक मास के बराबर ही आया। इसको लिख लीजिए गाइस, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें पता होना चाहिए था, लिख लो गाइस इसको फटाफट। फोर कार्बन एवरेज एटॉमिक मास निकाला ऐसे। क्लियर है? इसमें लिख देना यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग करने में इसका यूज किया जाता है, पुरानी वस्तुओं की उम्र पता करने में, एज पता करने में, टू कैलकुलेट एज ऑफ ओल्ड थिंग्स। कोई कितनी चीज पुरानी है वो कार्बन डेटिंग करने से हमें उसके बारे में पता लग जाता है। गाइस फटाफट से इसको लिखे।
गाइज, ये जो साइन होता है, ये जो साइन यूज करते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं इसको? अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, कंप्लीट तो 12.011 है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में अगर लिखना हो तो उसको हम 12 AMU लिख सकते हैं, राइट है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फटाफट से लिख दो, फटाफट से। समझ आता होगा गाइस, यानी कि आइसोटोप्स के लिए हम एटॉमिक मास ना बोल के एवरेज एटॉमिक मास टर्म का यूज करते हैं। आइसोटोप्स, पहले मैंने आपको आइसोटोप के बारे में समझाया, फिर एक आइसोटोप का अपनी बुक से एग्जांपल लेके आपको समझा दिया, सिंपल। गाइज, अब एक नई टर्म की बात करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लिख लिया होगा गाइज, ठीक है? आगे चलते हैं, पोज करके लिखते रहना, ठीक है? लिखना जरूरी है गाइज, नहीं लिखोगे तो चीजें ना आपको ऐसे लगेगी कि आपको समझ तो आ रही है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होगे चीज के बारे में। और बेटा कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को लेके, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। हालांकि चीजें मुझे भी आती है, लेकिन अगर मैं भी कॉन्फिडेंस ना रहूं, कॉन्फिडेंट ना रखूं, तो मैं तुम्हारे सामने बोल ही नहीं पाऊंगा। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के बारे में। तो कॉन्फिडेंट होते हैं वाया राइटिंग, वाया थिंकिंग, वाया विजुअलाइजिंग। सोचो, विजुअलाइज करो, लिखो, देखो, सुनो और वो एक्सेप्ट करो जो तुम्हें समझ में आता है। क्यों हमेशा किसी भी चीज के सामने लगाओ, जब तक क्यों, वाई, हाउ, व्हाट नहीं लगाओगे तब तक चीजें साइंस क्लियर नहीं होगा। साइंस तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हमें अगर कोई बात बताई जाती है तो हम उसको ऐसे ही मान लेते हैं, लेकिन साइंस एक परमिशन देता है। व्हाट परमिशन साइंस विल गिव यू? द परमिशन टू आस्क व्हाई, हाउ, व्हेन। तुम फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, बट साइंस में होने वाली चीज़ों की प्रिडिक्शन कर सकते हो। तुम्हें प्रिडिक्शन करने की, मतलब इसने क्या दी, प्रिडिक्शन करने की तुम्हें अनुमति दे दी कि तुम प्रिडिक्शन भी कर सकते हो साइंस की मदद से, साइंटिफिक रिएक्शंस में, नॉट अबाउट द लाइफ्स। लाइफ अलग है, ठीक है? आगे चलते हैं गाइस, आगे एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पेपर्स में आती है, नीट में भी कई बार आई है, ध्यान रखना। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में कितना परसेंट कोई है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है आपको एलिमेंट की। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार वो देख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास इनटू 100, क्योंकि आपको किसमें निकालनी है, आपको ये निकालनी है किसमें, परसेंटेज में निकालनी है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चीजों को आप गाइज किस में निकाल रहे हो। तो किसी की भी अगर आपको निकालनी है, किसी के लिए भी अगर आपको निकालनी है, तो यहां पे एक टर्म मैं आपको और अच्छे तरीके से लिखा देता हूं, क्या, मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का आप निकालना चाहते हो, मास ऑफ दैट एलिमेंट। ये और भी स्पेसिफिक है,
और अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले गए तो क्लियर ही हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं गाइज H2O की। अब आपको H2O दे दिया, सबसे पहले तो H2O का मोलर मास निकाल लो, इसको फॉर्मूला मास भी बोलते हैं। आपकी बुक में इसको फॉर्मूला मास के नाम से भी दिया हुआ है कि फॉर्मूले के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका मास निकाल लो। तो मोलर मास H2O कितना आता है, हाइड्रोजन का होता है 1, कितने परसेंट हाइड्रोजन 2% है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो आपके पास मास आ जाएगा 18 AMU या 18 ग्राम पर मोल। एक ही बात है, AMU और ग्राम पर मोल गाइस एक ही बात होती है। अब आप क्या निकालो, आप निकालो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या निकालना हमें गाइस, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट है, हम एलिमेंट का ही निकाल रहे हैं, हम किसका निकाल रहे गाइस, एलिमेंट का। तो मोलिक्यूल का नहीं निकालना हमें, एलिमेंट का निकालना है, मोलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट है उनका निकालना है। तो पहले हम किसका निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मास ऑफ हाइड्रोजन, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, कितना है मास ऑफ हाइड्रोजन 1, और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2, क्योंकि टोटल मास लिखना है ना, मास ऑफ दैट एलिमेंट, जितना भी वो एलिमेंट है वो सारा का सारा मास आपको यहां पे लिखना है। मोलर मास कितना है इसका, अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई 100। सोल्व करेंगे, दूसरा निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था 16, टोटल मास कितना है 18 मल्टीप्लाइड बाई 100। इनको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हम उसमें लिख देंगे कि भाई ये है हमारे पास आंसर। तो उसको जब सोल्व करेंगे गाइज तो यहाँ आएगा 11.18%। क्या आएगा यहाँ पे 11.18%, फटाफट से लिखो। और दूसरा का सोल्व करेंगे तो गाइज ये आ जाएगा 88.74%। क्लियर है गाइस, ये इस तरीके से निकालना है। इसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, कि कितना परसेंट एलिमेंट, कितना परसेंट हाइड्रोजन वाटर के पास है, इतना 11.18% है जी। कितना परसेंट ऑक्सीजन H2O के पास है, 88.74% है जी। खत्म, ऐसे करना है। आया कि नहीं आया निकालना, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100% कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, आपके चरणों में, आपके कदमों में, दुनिया कदमों में, है ना, वो एडवर्टाइजमेंट आता है। तो हाथ में फॉर्मूला और सवाल का आंसर आपके पास। क्लियर है कि नहीं है, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, या परसेंट ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं सीधा और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं सीधा, राइट। ये आप यहां से करो, एक सवाल आपको मैं घर से करने के लिए देता हूं। सवाल क्या है, क्वेश्चन है, ये होमवर्क में आप लोग करोगे, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन इथेनॉल, इन इथेनॉल, इथेनॉल को बाइस बोलते हैं C2H5OH, इट इज ए काइंड ऑफ एल्कोहल। क्या होता है, एक तरह का एल्कोहल जो शराब के अंदर मिलता है, जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकेबल एल्कोहल होता है गाइस ये। क्या होता है गाइस, ये ड्रिंकेबल एल्कोहल, राइट। तो फाइंड आउट द परसेंट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तीनों इसके अंदर प्रेजेंट है, इथेनॉल के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर, ये फ्रीज करके लिख लो, ये फ्रीज करके लिख लो, ये फ्रीज करके लिख लो गाइस, फटाफट से लो, मैं हट जाता हूं। और ये भी फ्रीज करके लिख लो,
ये कल हम सोल्व भी करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कल की क्लास में करेंगे, प्लस ये आपका मैं होमवर्क गाइस चेक करूंगा कि कितने लोगों ने ये किया है, क्योंकि ये तो सबसे आसान चीज है, मैं मानता हूं कि तुम लोगों से इजीली हो जाएगा। क्लियर है गाइस? आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच। ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद है, वो छोटी छोटी चीजें थी। आज हमने लॉज पढ़े, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और परसेंट कंपोजिशन निकालने का तरीका देखा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।